अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों आज हम ट्रैवल करने वाले भिलाई पावर हाउस से बिलासपुर तक 18240 में। वैसे ऑफिशियल टाइम था 4:14 और अभी हो गए 8:28। ऑलमोस्ट 4 घंटे लेट चल रहे हम लोग। तो एक और ट्रेन आई थी साउथ बिहार जिससे मैंने सोचा उसी में चले जाऊँगा, लेकिन सेम फेयर था, हर एक चीज़ सेम था, लेकिन टीटी से बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो वाला टिकट नहीं चलेगा, दूसरा बनवाना ही पड़ेगा। तो उस वजह से उसमें ट्रैवल नहीं कर पाया क्योंकि कहीं जाना भी था मुझे बिलासपुर से और आगे, और इससे जाऊंगा तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, बोल दिया कि नया आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ भिलाई पावर हाउस से बिलासपुर तक का फेयर था रिजर्वेशन का 145 रुपीज़, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब 320 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, तो लगभग डबल हो गया। तो उस वजह से मैंने दिया ही नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं यार, 3-4 घंटे लेट ही हो गया, लेकिन डबल पैसा क्यों दे जबकि ऑलरेडी टिकट है ही हमारे पास। तो मैं गया ही नहीं उसमें, मैंने बोला कोई बात नहीं। वो थी 7:15, 7:13 में, और ये 8:40, 1-1.5 घंटा बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार उसमें भी, क्योंकि उतनी जल्दी भी तो है ही नहीं कि नहीं एकदम पहुँचना ही है एकदम। तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की जितनी भी ट्रेन है लगभग वो सब लेट चल ही रही है आज की डेट में मालगाड़ी की वजह से। अगर आप सब में इस जोन के कोई बाहर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि क्या आप सब लोग जहाँ पे रहते वहाँ की भी ट्रेन क्या लेट हो रही है मालगाड़ी की वजह से, बताइएगा ज़रूर। आ गई है, अब चलते हैं।
और ये वाली जो रूट इधर यहाँ से डाइवर्ट हो रही रायपुर से, ये अपना निकल जाता है पूरी विशाखापट्टनम तितलागढ़ इस साइड के लिए, यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। टाइम हो रहा है 12:23 और मैं पहुंच चुका हूं बिलासपुर स्टेशन, और ये जर्नी यहीं पर एंड होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो मैं डालूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़।